वहां मिल ही जाता है आपको क्वेश्चन। लीजिए, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम अंडर रेड लाइट फॉलोड बाय, मतलब इसके बाद कौन सा है, एंड फॉलोड बाय ब्लू येलो, मतलब सबसे आप ऐसे बना दें रेड ब्लू येलो, ठीक है, एंड फॉलोड बाय ब्लू येलो, और फिर सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं मिनिमम की, तो मिनिमम किस में होगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ग्रीन लाइट में, एंड फॉलोड बाय रेड ब्लू येलो एंड मिनिमम अंडर द ग्रीन लाइट। तो मिनिमम बात करें तो अपन किस में होगी, तो आपको इतना याद रखना, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है, टेबल याद हो गई, रेड सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है, रेड ब्लू येलो और मिनिमम हो गई ग्रीन में, ठीक है। और एक चीज मैं बात पूछूं, एक पॉइंट आप और लिखिए, इन दिस प्रोसेस लेस देन 1% ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज, कहने का मतलब है जो सोलर एनर्जी आ रही है एक 1% से भी कम में ये प्रोसेस हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। फिर एक चीज आती है दोस्तों, टर्म आता है प्रोडक्टिविटी, आपको लिखना नहीं है, मैं उसी पॉइंट्स में लिखवा दूंगा, बस आपको इसको समझ लीजिए, पॉइंट की फॉर्म में लिखना है या आपको अलग से नहीं लिखना। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब किसी भी जगह है या किसी भी प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया या फिर पर यूनिट टाइम, मतलब किसी भी स्पेसिफिक एरिया में। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो आपको एक रीजन है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, सपोज किसी में एक रेंज से नापूं, यहाँ पे सपोज फोटोसिंथेसिस का रेट 100 है, और इसी सेम रीजन में पर यूनिट एरिया में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट है 1000, तो मैं बताऊंगा प्रोडक्टिविटी इसी को कहते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया या फिर पर यूनिट टाइम या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम पे। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी मैंने 12 आर के लिए बात किया था और यहाँ पे 12 आर के लिए ही बात किया था, तो यहाँ पे 1000 निकला, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा निकली, तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। तो जिस जगह की ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा बेटर एरिया होगा, ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्टिविटी, तो आप इसको लिखिए, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया कॉमा पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब एक पॉइंट लिखिए आप अगला, ठीक है, इफ वी कंपेयर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आपको समझना है, इफ वी कंपेयर वेरियस लैंड्स लैंड रीजियंस कॉमा इक्वेटर लैंड रीजियंस एंड इक्वेटर एंड है ना कॉमन ये सॉरी एंड इक्वेटर हैविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, और ब्रैकेट में प्रोडक्टिविटी के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फर्टिलिटी का मतलब भी वही है कि कोई फर्टाइल आप समझते हो कितनी उपजाऊ है, मतलब कितनी जल्दी वहाँ ग्रो हो सकते हैं, फर्टिलिटी एज वेल एज प्रोडक्शन और एज वेल एज, कहने का मतलब है अगर मैं किसी भी लैंड रीजन या फिर किसी भी इक्वेटर को मैं कंपेयर करूँ तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होगी दोस्तों, इक्वेटर पे होगी। मैंने आपको समझाया था क्यों होगी कैसे होगी, ये आपको मैंने पिछले वीडियोज में समझा दिया, अपन वही कंटिन्यूशन में, but ocean having maximum production, दोस्तों मैंने क्या कहा कि एक जगह थी, अपने टर्म था इक्वेटर और एक था ओशन, मतलब महासागर, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा था प्रोडक्टिविटी की, तो अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी की तो ये किस पे है दोस्तों, टॉप पे है। प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो ना, किसी स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से वहाँ पे कितना फोटोसिंथेसिस का रेट है, कितने प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। तो इक्वेटर में प्रोडक्टिविटी कहाँ पे मैक्सिमम थी, इधर मैक्सिमम थी,
ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल प्रोडक्शन का, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आप किसी रीजन में रहते हो, जैसे आप किसी 100 स्क्वायर मीटर रीजन में रहते हो, है ना, और है ना, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूँ, मतलब जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो तो मान लो आपकी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, मतलब 1000 है सपोज प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे एरिया की ऐसे बात करूँ जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल ज़्यादा नहीं है लेकिन जो प्लांट्स का प्रोडक्शन है ना वो ओवरऑल ज़्यादा है, तो उस वैसे ही ओशन प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा नहीं है लेकिन ओवरऑल, क्योंकि यार प्रोडक्शन क्यों, इक्वेटर तो छोटी सी जगह है लेकिन ओशन तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो क्या है दोस्तों, ओवरऑल प्रोडक्शन के मामले में ये ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। फिर एक आप लाइन लिखिए, यहाँ पे लिखिए, ये सब नहीं लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूँ, अब वो लिखना है बायो बायोडाइवर्सिटी के सिंपल सा ग्राफ बना रहा हूँ मैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पे सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है बायोडाइवर्सिटी, तो सबसे, तो यहाँ पे आप लिखिएगा ऐसे लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा दोस्तों हैं ओशियंस में। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि दोस्तों बायोडाइवर्सिटी आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं बायो ओशियंस इक्वेटर लैंड, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी ओशियंस में, तो सबसे ज़्यादा होगी ओशियंस में। फिर दूसरी बात की जाए तो वो होगा दोस्तों इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। फिर बात करें यहाँ पे मैं जगह पहुँच, इसके बाद आप यहाँ लिखिएगा, इसके बाद है फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बाद के की जाए तो वो होगा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद की जाए ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आई होप है ना समझ में आ गई होगी कि बायोडाइवर्सिटी में होता क्या है। ठीक है, तो ओशंस में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपको सिंपल से एक चीज़ समझाऊँ कि ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसे कहेंगे, ये लिखना है आपको दोस्तों। अगर सपोज किसी जगह में एक सपोज लायन रहता है प्लस 15 बर्ड्स रहती है, और फिर बात करें वहाँ थोड़ा बहुत ओशंस भी हैं, सॉरी ओशंस नहीं आप लिख लीजिए फॉरेस्ट है, सपोज फॉरेस्ट है, वेटलैंड है, और एक रैबिट रहता है। ठीक है, एक तो रीजन ऐसा है ना, एक तो ये आपके पास, और एक है जहाँ पे 1000 सिर्फ गॉड्स रहती हैं। ठीक है, तो बताइए सर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसे कहेंगे अपन, तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसे कहेंगे दोस्तों, इसे, इसको क्या कहेंगे, लेस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कितना ज्यादा स्पीसीज का फैलाव है, कितनी ज्यादा वहां अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज रहती हैं और वहां सर्वाइव करती है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आज के लिए, आज लास्ट पॉइंट है, यहां पे लिखिए कोरल्स, लिखिए कोरल्स हैविंग मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, तो ब्रैकेट में लिखिए ओशियंस। ठीक है, मत कहने का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है वो होती है दोस्तों कोरल्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा कोरल होते क्या हैं, कोरल्स फॉर्म कैसे होते हैं। दोस्तों बेसिकली कोरल्स एक कोई मिट्टी नहीं है, मतलब क्या होता है कि एक मतलब बनता रहता है, एक पूरी इक्वेशन है उस चीज़ को अलग से होता है। तो कोरल्स आपने देखे होंगे, जैसे लक्षद्वीप एक कोरल है ना, लक्षद्वीप आइलैंड है ना जो, वो पूरा कोरल से बना गया है, तो वो क्या है सबसे, तो वैसे ही कोरल्स में सबसे ज़्यादा क्या है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा, कभी कभी एक दो दिन मिस हो जाता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो अपना
कंटिन्यू चल रहे हैं, तो यार दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों को बताएंगे उतना ज़्यादा इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। जो लोग, जो स्टूडेंट्स बहुत बड़ा पे करके एजुकेशन नहीं ले सकते, बड़ी सिटीज़ में नहीं जा सकते, अपने घर बैठे अच्छे एजुकेशन पाना चाहते हैं, तो दोस्तों यार मैं सब उन लोगों के लिए ही चलाया है, मेरा मेन मोटिव यही है। तो आप जितना हो सके लोगों को बताइए, शेयर कीजिए और बढ़िया वीडियो को देखिए, और आपके पास है ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।